दोस्तों 60 गियर वाला ट्रैक्टर कभी आपने देखा है क्या? आज की वीडियो के अंदर अपने लेकर आ चुके हैं, दबके शेयर कर देना वीडियो को और पेज को कर लेना भाई फॉलो। ये देखिए क्लास कंपनी का सीरीज 346 है, 90 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है भाई ये, ठीक है, और बिकाऊ खड़ा है पंजाब के। अभी हम पहुंचे हैं मुक्सर मेले के अंदर, माघी मेला लगता है ना, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खिचका के अंदर ये ट्रैक्टर था। हम तो थोड़ा भीड़ से बहुत मतलब इतने परेशान हुए इधर निकालने में, क्योंकि लोग फोटो करवा रहे हैं इसके साथ में, और ये बिकाऊ खड़ा है ट्रैक्टर। अगर कोई लेना चाहता है तो लास्ट में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। देखिए 90 उस बारे में 4x4 ट्रैक्टर, और इंडिया वो उधर है जी, इंडिया के अंदर अपने है ना, मतलब ये दो ही ट्रैक्टर आए थे। और देखिए यहाँ पे रिनोल्ट का जैसे लोगो लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये टाइप के अंदर ही इंडिया में जो लॉन्च किया था कंपनी ने, सोनालिका के साथ में है जो टाइप था इस क्लास कंपनी का, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन है जो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए, जो कि न्यू होलैंड का 5630 ट्रैक्टर आता है ना, उनके अंदर आता है ये इंजन, ठीक है। क्रॉस गियर में है ये, और कलर बहुत शानदार है भाई। और ये क्या है कि अभी है ना 2027 तक इसकी पासिंग है, ठीक है, और भाई काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। 60 गियर लगे हुए हैं, इधर आओ मैं दिखाता हूँ आपको 60 गियर। अरे भाई ये देखिए जी, इसमें ये गियर लेवर है हाई और लो के लिए, ठीक है। बाकी ये देखिए 5 स्पीड है इसके अंदर, मतलब 10 हो गए, ठीक है। बाकी ये रहे हाई लो मीडियम बोलते हैं ना जी, 3 गियर ये रहे, ठीक है, 30 हो गए, 30 फॉरवर्ड के और 30 रिवर्स के हो गए, ठीक है। और ये है इसका आगे और पीछे करने के लिए, ये देखिए ये रहा, यहाँ पर लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंपाइन वाले टायर, ठीक है। बाकी देखिए भाई पीटीओ वगैरह ना, पीटीओ इसमें 540 आरपीएम इकोनॉमी पीटीओ, 540 आरपीएम स्टैंडर्ड पीटीओ के साथ में, और मेड इन फ्रांस का ट्रैक्टर है भाई ये। ऊपर से ना बैठने में इसे डानम फील हो रहा है जैसे ना, और इसका फ्यूल टैंक होगा लगभग 145 लीटर का फ्यूल टैंक है ये। और यहाँ पे जो जगह दी गई है ना वो स्पेशल एसी केबिन के लिए भी, आप यहाँ पे एसी केबिन वगैरह भी लगा सकते हैं। बाकी देखिए भाई ये शायद तक इसकी क्लच वगैरह दी गई है उसके लिए, जो पीटीओ लीवर है ना उसके लिए दी गई है। बाकी भाई इधर वाली साइड में ना लीवर बहुत लगा रखे हैं, पिछले फेंडर वगैरह देखिए पूरे हैं, मतलब ये है अभी जब भी ये इंडियन मार्केट में आया था ना ट्रैक्टर, उस समय इसकी कीमत थी 90, अभी के टाइम में 90 लाख है, उस समय 42 लाख कीमत थी इसकी, ठीक है। और बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, बिकाऊ खड़ा है पंजाब के अंदर। और भाई देखिए इसकी लिफ्ट देखिए भाई, ठीक है, कितनी मजबूत, आजकल जो असिस्ट रैम आती है ना वो इसमें लगी हुई है पहले से ही, और लगभग ऐसे अभी इसकी होगी 3500 kg से आराम से होगी लिफ्ट कैपेसिटी है। जो पिछला हिस्सा देखिए बुल पिनियन रिडक्शन के साथ में है, पिछला हिस्सा है ना ये डबल असिस्ट रैम के साथ में है, मजबूत है पूरा का पूरा। ये देखिए ये जो विदेशों में चलते हैं ना एसी केबिन के साथ में जो ट्रैक्टर आते हैं वो यूरोपियन स्टाइल में इसका हुक है वो दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए भाई ब्राड फार्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके नंबर भी मैं दूंगा आपको, शानदार ट्रैक्टर है यार। और ट्रिपल इसके अंदर ये मिल जाएंगे आपको जिसे बोलते हैं टिपिंग बल्ब। वेट देखिए भाई 40 kg का वेट है जो इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए बैटरी बॉक्स इस प्रकार से दिया, खुला प्लेटफॉर्म है, कार की तरह सस्पेंडेड पेडल है जो इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये देखिए न्यू होलैंड का है जो इसके अंदर फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, इंजन वगैरह है ना वो न्यू होलैंड का ही है शायद तक, डबल टेंडम पंप के साथ में है ये। तो भाई इसकी है ना अगर आप खरीदने के इच्छुक है ना इस ट्रैक्टर को, तो आगे नंबर दिखा दे यार इन भाई, ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं और कीमत है वो जान सकते हैं। पासिंग है भाई 2027 तक, ठीक है, 16 फुट इसकी जो है ना मतलब लंबाई 16 फुट है इसकी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहें इसी प्रकार से, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अक्षय।